Before moving ahead, these are the social media handles. You can follow us on a Instagram and a Facebook. Also, you can join a WhatsApp and Telegram channel, or don't forget to subscribe the channel because that will give the more information and important videos about the competitive exam stuff. Now, if you want to start your preparation, you can join us. You can take the full course and you can take the sectional course. Also, you can buy the mock test and books and ebooks. For that, you have to visit.

What exactly the crime is? Now, a foreign terrorist captured by police and subjected to new law. Claim that his rights under Article 14 of Indian Constitution were violated. His claim will what decide? matlab yahan pe uska claim jo hai wo stand karega ki nahi karega That we have to decide. First of all, पहली information क्या बोला है? कि Article 14 ये बोलता है कि अगर Indian territory में कोई भी law जो है, अगर किसी भी person का, यहाँ पे any person बोला है, it applies to everyone.

देखो पे दो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए पहली चीज यहाँ सेम लॉस बोला हुआ तो इंडियन अथॉरिटी कैप्चर करेगी अगर इंडियन अथॉरिटी कैप्चर कर रही in फंडामेंटल राइट जो, right जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होते हैं वो उसको भी अवेलेबल होगी तो सिमिलरली आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

रूल ए से गवर्मेंट एंड पार्लियमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का मतलब क्या है भाई गवर्मेंट एंड पार्लियमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट है या फिर लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम लोग स्टेट कंसिडर करेंगे नाउ ऑप्शन सॉरी रूल सी से मतलब जितनी भी लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है ना वो भी क्या है स्टेट है अंडर द आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदिन टेरिटरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए या फिर अंडर दोल या फिर क्यों बोला और लिखा हुआ है दैट इट्स अ स्लैश स्लैश का मतलब क्या दोनों में से कोई एक होता है तो भी चलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर अंडर द टेरिटरी इन द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है ना सिचुएशन क्या दिया है देखो मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ऑयल एंड नेचुरल गैस ने क्या है गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनी है दैट मींस इट इज अ स्टेट नाउ ही फेसेस अ डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क एट हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द थिंग्स दैट इज द राइट टू इक्वालिटी इज वॉयलेटेड उसकी राइट टू इक्वालिटी क्या हुई है वायलेट हुई है ही कंटेंप्लेट्स मूविंग अ रिट पिटीशन अगेंस्ट अ ओएनजीसी बट हिज 콜लेग सजेस्ट दैट मिस्टर अरविंद विल नॉट सक्सीड बिकॉज़ ओएनजीसी इज नॉट अ उसके कलीग्स उसको बोलते हैं कि ओएनजीसी स्टेट नहीं है बट ही नोस द लॉ उसने आर्टिकल 12 पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ही सेज व्हाट कि बाबा ये तो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो सिंपली इट इज वॉट ओ एन जी सी इज अटेट तो अगर ओ एन जी सी स्टेट है मतलब क्या कि उसका क्लेम जो है वो स्टैंड करेगा ना ऑप्शन ए इज इज एज पर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ओ एन जीसी स्टेट है या नहीं है दैट वी हैव टू आंसर सिंपल पहली चीज हमें तो प्री डिटरमाइन कर लिया भाईन जी सी जो है वो स्टेट तो है चलो ऑप्शन बी पे जाते हैं ओ एन जी सी इज नॉट अ स्टेट इनकरेक्ट मिस्टर अरविंद विल नॉट सक्सीड इन करेक्ट क्योंकि स्टेट है ना तो सक्सीड क्यों नहीं होगा ओ एन जी सीज नॉट स्टेट इन करेक्ट ऑप्शन डी सी एंड बी विल एलिमिनेट ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर मूविंग अहेड इफ यू लाइक वीडियो अगर आपको नई चीजें सीखने मिल रही है अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना शेयर हाँ, करो वीडियो को बिकॉज आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी ये सारी चीजें पता चलेगी उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल है चलो अब यहां पे आते हैं मिस्टर श्याम सिंह ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड एज रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर श्याम सिंह एज मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बात की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है और नीचे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तो दोनों क्लॉज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या होना चाहिए बेसिकली देखो यहां पर क्या बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ अर श्याम सिंह एज अस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अ वैलिड नो इट्स नॉट वैलिड बिकॉज Term क्या दिया है इट्स अ यूनियन गवर्नमेंट हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि so गवर्नमेंट ओनली अगर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो तो ही आप इसको यस yes मार्क करोगे अदरवाइज नहीं करोगे नेक्स्ट यहां पर आंसर क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन बी नो नाउ लीगल प्रिंसिपल

प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अनलेस सच अ पर्सन पास कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोम द आईसीएसआई यहाँ पे प्रोम द आईसीएस आईसीएसआई का मतलब क्या होता है कि आईसीएसआई ने जो सर्टिफिकेट दिया है ऑफ द पासिंग मतलब जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप जो है सीएस बन चुके हो कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट हुआ है आपका प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट हुआ है नाउ यू कैन प्रैक्टिस एज एन कंपनी सेक्रेटरी तो सिंपली इस वक्त आप अपना प्रोफेशन जो है वो कैरी कर सकते हो परस्यू कर सकते हो अदरवाइज दैट नहीं अलाउड होगा मनोज एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम पास स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स चैलेंजेस द बैन एज इट इज राइट टू कैरी यहां पर क्या बात हो रही है पहले तो रूल क्या बोला है कि प्रोहेबिट असन प्रैक्टिस अनलेस सच पर्सन पासरीशिप कोर्स अब यहां पे समझो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होने का मतलब क्या होता है सिंपली जब आईसीएसआई आपको सीओपी देता है दैट मींस दैट अलाउज यू टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन ठीक है और

ऑप्शन डी से नॉट बी सीव बिकॉज बोथ आर अ राइटर एंड नॉवलिस्ट एंड बोथ कैन क्रिटिसाइज इच अदर यहां पर बोथ कैन क्रिटिसाइज ईच अदर बोलना यह तो मॉरल अंडरस्टैंडिंग होती है मॉरल अंडस्टैंडिंग हमें लेनी नहीं है वी आर अ लॉयर वी आर एडवोकेट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगैलिटी तो सिंपली ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट ऑप्शन सी वु बी योर करेक्ट आंसर दीज आर दी ऑल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और यू कैन सी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल ऑन विच ऑन विच

सिंपली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बेसिकली हो तो आर्टिकल थर्टी टू एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी बारे में एक बार रीड कर लो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल रीड करने के लिए आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा तो रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो एक प्रिंसिपल को 10 से 15 बार रीड कर लो जिसकी वजह से आप जब एग्जाम में वो प्रिंसिपल को देखोगे यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड बाबा कि हाँ यही वही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने रीड किया था ना यू नो दैट स्टफ कि आपको पता है कि यहाँ पे लिखा क्या आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर जाओगे और आपका टाइम भी बड़ा कम कंज्यूम होगा दिस मच ऑफ दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड थोड़ा सा जो बोला है उसको प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में बहुत होगा हेल्प होगी इफ यू एट टू एट फाइव एट वन फोर डबल फाइव एन फाइव फोर एंड ऑल्सो यू कैन विजिट अवर सेंटर यू कैन जस्ट कनेक्ट विजिट बाई विजिटिंग अटर एंड Thank you for watching the video. Subscribe to the channel, like the video, and share to your friends. Thank you.